हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ भारतीय इतिहास में हुए मुख्य युद्ध व लड़ाइयाँ, जिनका वर्णन इस प्रकार है। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय इतिहास में हुए मुख्य युद्ध व लड़ाइयाँ। कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन शासक सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुआ था। यह युद्ध बहुत ही विध्वंसकारी और भयावह था। इस युद्ध में 1,00,000 से अधिक सैनिक मारे गए तथा कई लाख घायल हुए। इसमें हुए भारी विनाश से अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया और यह युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन पर्यंत कभी हिंसा न करने की शपथ ली। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और उससे उल्टे पैर भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं सुनाई जाने लगी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखने वाले जयचंद का साथ पाकर मोहम्मद गौरी ने पुनः पृथ्वीराज से युद्ध किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें जयचंद द्वारा देश विद्रोही बन जाने और पृथ्वीराज के समर्थक राजपूतों को अपने इशारों पर पहचाने के कारण पृथ्वीराज को पराजय हुई। मोहम्मद गौरी अपने अयोग्य से नपति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर वापस अपने गृह देश चला गया और भारत में प्रथम बार मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम बख्श की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का मालूमाक या गुलाब वंश का राज्य स्थापित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में बाबर द्वारा भारत में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल किया गया था। यही बाबर की जीत का प्रमुख कारण भी था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उनके शासकों दिल्ली शासकों को सुल्तान कहे जाने की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ था। हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया। इससे अफगान शासक का अंत हुआ और मुगलों के लिए रास्ता साफ हुआ। तालीकोट का युद्ध 1564-1565। तालीकोट का युद्ध हुसैन निजाम शाह के नेटवर्क में बीजापुर बिदास अहमदगढ़ नगर और गोलखुंड की संगठित शक्ति, जिसे दक्कन सल्तनत भी कहा जाता है, वह विजयनगर के राजा रामराय के मध्य हुआ था, जिसमें विजयनगर के राजा की हार हुई, जिससे परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का अंत हो गया। हल्दीघाटी का युद्ध 1576। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेटवर्क राजा मानसिंह ने किया था। यह मुगलों और राजपूतों के मध्य हुआ भीषण युद्ध था, जिसमें राजपूतों का साथ स्थानीय भील जाति के लोगों ने दिया था। यह युद्ध काफी विध्वंसकारी था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुआ और राणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और गाल के तकनीक नवाब सिराजुद्दीन दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई रॉबर्ट क्लाइव ने तथा बंगाल की सेना की अगुवाई मिर्जाफर ने की थी। बांदिया वंश का युद्ध या बांडी वंश का
युद्ध अंग्रेजों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को समाप्त कर दिया। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 7 साल से चल रही लड़ाई का एक निर्णायक युद्ध था। इसके फलस्वरूप भारत में आई विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में से केवल अंग्रेजों की ब्रिटिश कंपनी भारत में शेष रही। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर विजय प्राप्त की। यह युद्ध ऐसे समय हुआ जब मुगल शक्ति छीन पड़ चुकी थी और मराठों का साम्राज्य बढ़ने लगा था और हर तरफ मराठों का बोलबाल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूर्ण भारत पर मराठों का राज्य हो जाएगा तथा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को पराजय कर सामना करना पड़ा। मराठा शक्ति को एक जबरदस्त धक्का लगा और उनका वर्चस्व ही समाप्त हो गया। बॉक्सर का युद्ध 1764। बॉक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के तकनीक नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दीन दौला और तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ। सर हेक्टर मुरोरो के नेटवर्क में अंग्रेजों ने नवाबों और शाह आलम द्वितीय की संगठित सेना को हराकर विजय प्राप्त की और भारतवर्ष में अंग्रेज शक्ति का सर्वोच्च बना दिया। चिलियान वाला युद्ध 1849। चिलियान वाला युद्ध हुगाफ के नेटवर्क में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने शेर सिंह के नेटवर्क में लड़ रही सिखों की सेना को हराया। भारत में अंग्रेजों और सिखों के बीच ही हुआ यह प्रथम युद्ध। भारत पाक युद्ध 1965। भारत पाक युद्ध पाकिस्तान द्वारा कच्छ गुजरात और धम्म कश्मीर पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णित युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध का अंत संयुक्त राज्य के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ और दोनों देशों के मध्य तस्कंद समझौते के द्वारा सीमा पर पुनः शांति स्थापित हुई। भारत पाक युद्ध 1971 या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त रूप में कार्रवाई करके पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से हराकर आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई थी। इस युद्ध में विजय के बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रखा गया। यह युद्ध 18 दिसंबर 1971 को पश्चिम पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के बाद बंद हुआ था। कारगिल युद्ध 1999। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर